हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर प्लांट टर्टल वाइन, जो कि एक इंडोर वाइन है, उसकी प्रोपोगेशन, उसकी कटिंग कैसे लगाएं। वैसे तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही ईजी है, आप कोई भी साइज़ की इसकी कटिंग ले सकते हैं, छोटी से लेके 1 इंच 2 इंच और एक स्टेम, जितनी भी आपकी कटिंग हो आप वो लेके मिट्टी में रख दीजिए और ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, ये सकुलेंट फैमिली से, इनके लीव थोड़े शाइनी एंड हार्ड होते हैं, कई बार आप इसे टच कर रही हो तो वैसे ही ये टूट के नीचे गिर जाती है। इतनी डेलिकेट भी नहीं है, बट समटाइम होता है कि ये टूट के नीचे गिर जाती हैं। तब आपकी जो भी इसकी कटिंग है, आप अपने किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए, जो इंडोर प्लांट है उसकी मल्चिंग का काम करेगा, या फिर आप उनको इकट्ठा करके फिर एक न्यू पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी छोटी छोटी टूटी हुई कटिंग से हमने इसके एक पॉट क्रिएट किया है। देखिए ये कटिंग कितनी छोटी छोटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कोई भी कटिंग टूट जाती है, आप उनको जस्ट उठा के इसमें रख दीजिए, ये अपने आप रूट गेन कर लेंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसकी कुछ कटिंग्स ली हैं, मैंने अपने मदर प्लांट से ही कुछ कटिंग्स तोड़ ली हैं। मैंने ये 4 से 5 इंच की कटिंग ली है, एक्चुअली मुझे एक बड़ा पॉट बनाना था, मैं उसके लिए ले रही हूँ। मैंने एक पॉट लिया है, इसके नीचे ड्रेनेज होल है और मैंने उसमें शॉपिंग बैग की कटिंग डाल दी है, और ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। मैं इसमें लाइट सॉइल नहीं ऐड कर रही हूँ, आप इसमें कोकोपीट वगैरह ऐड कर सकते हैं जब आपने इसको हैंगिंग बास्केट के लिए बनाना है, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं इसे प्लेस करूँगी अपने इंडोर में किसी भी कबर्ड के ऊपर, सो मैंने इसमें सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और मेरी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, लाइक सैंड इसमें ऑलरेडी मिक्स है। सो आपने जो कटिंग दी है, आप वो कटिंग का ये पीछे वाला हिस्सा लीजिए, देखिए इसमें तो रूट भी हैं, एक्चुअली इसके सभी लीव्स में बीच बीच में रूट आने लग जाते हैं, आप देख रहे होंगे इसमें एक टिनी सी रूट आपको दिखाई दे रही है, इसमें रूट अपने आप आने लग जाती हैं, इसलिए अगर आप इसको ऐसे भी रख देंगे तो ये रूट ले लेगी। और अगर जैसे मुझे एक हैंगिंग बनानी है तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ इनको स्टेम्स को इसमें प्रेस करूँगी, इसको ऐसे। अब मैं दूसरी स्टेम लेके इसको यहाँ पे लगा देती हूँ, फिर एक मेरे पास कुछ स्टेम्स हैं, मैं एक्चुअली मुझे थोड़ी अच्छी सी बास्केट बनानी थी तो मैंने इसीलिए ली है थोड़ी लंबी, नहीं तो छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी बहुत आसानी से जड़े पकड़ लेती है। इसमें जस्ट इसकी नोड को ऐसे कीजिएगा, नीचे इसके लीफ नहीं है, हो तो रिमूव कर दीजिए, नहीं भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो है ये। और ये जब लटकती है तो बहुत ही सुंदर लगती है, आपके घर का कोई भी खाली कॉर्नर हो जहाँ पे आपको फिल करना हो इंडोर, और बहुत ही अच्छी लगती है, जहाँ से बाहर से छनी हुई इसकी सनलाइट आती हो तो वहाँ पे भी ये अच्छा ग्रो करती है। थोड़ी सी सनलाइट तो हर प्लांट को ज़रूरी होती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन अगर छनी हुई धूप मिलेगी तो वो इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं इसको यहीं पे लगा देती हूँ, और जो ये छोटी हैं आप इनको जस्ट ऐसे ही रख दीजिए, ये यहाँ से भी फिल हो जाएगी। इसकी देखो आप कितने अच्छे से रूट्स आ रही हैं, आप इन रूट्स को यहाँ पर दबा दीजिए, और इस ये थोड़ी उल्टी लग गई है, ये ऐसे आती है और ऐसे कर दीजिए, ये आपकी बास्केट तैयार है। सो अभी मेरी कुछ कटिंग्स हो रही थी, ये 2-3 दिन से एक्चुअली टूटी पड़ी थी, तो मैं सोच रही थी कुछ नया ही बना देते हैं, तो मैंने ऐसे 2 बास्केट बना ली है इसकी। और आप इस पर थोड़ा पानी स्प्रे कर दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये सकुलेंट फैमिली से, इसके लीफ आप देख रहे होंगे कितने शाइनी और मोटे से होते हैं, तो अगर ये इंडोर रखता है तो 1-1.5 हफ्ते में आप एक बार भी पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरे ये छोटे से प्लांटर अच्छे लगे होंगे और प्यारी सी टर्टल वाइन की कटिंग। सो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे एक न्यू प्लांट और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।